मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रोल नंबर या आईडी नंबर से आप इमेज को कैसे सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोग इससे पहले भी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज को सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे इंडेक्स और मैच फॉर्मूला के उपयोग से आप कैसे आईडी नंबर हो या रोल नंबर हो उसके अनुसार आप अपने इमेज को सर्च करके ला सकते हैं। तो वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं आईडी नंबर या रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप इमेज को कैसे सर्च कर सकते हैं। सो लेट्स गो। जैसे कि हम लोग आ गए हैं एमएस एक्सेल के वर्कशीट पर और आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डेटा तैयार है जिसमें से रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, क्लास है और कुछ सब्जेक्ट का नाम दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग कुछ मार्क्स भी यहाँ पर दिया गया है। और आप साइड में देख रहे हैं कुछ फोटो है, नाम के अनुसार सबका फोटो यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है, हम लोगों को इसमें जो है सर्च करना है रोल नंबर के अकॉर्डिंग इमेज को। तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग इमेज कैसे लाएंगे आज के टॉपिक में हम लोग एक चीज को सीखने वाले हैं। तो रोल नंबर के अनुसार आपको फोटो इमेज को लाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो इमेज है इसको हम लोग सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम लोग इमेज को कॉपी करते हैं तो इससे आने वाला नहीं है, हमको इसको करना क्या है, इसका सेल को जो है हमको सिलेक्ट करना है। तो सेल कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, देखिए ये सेल सिलेक्ट हो गया। अब इसमें कंट्रोल सी आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है तो ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पर आपको रखना है और कहाँ जाना है, होम टैब में, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पेस्ट का ऑप्शन। पेस्ट में आके एस पिक्चर में आपको आना है और यहाँ से मिलेगा पेस्ट पिक्चर लिंक में आपको एक बार क्लिक कर देना है। बस देखिए यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर जो है इसमें आपको किसी भी जगह आप सेल को सिलेक्ट कीजिए, इसमें यहाँ तक का काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला आपको टाइप करना है। तो फॉर्मूला किसके आधार पर होगा, देखिए फॉर्मूला के लिए हम लोग फॉर्मूला में क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर में क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार के एक विंडो अपीयर होंगे, आपको क्लिक करना है न्यू में। न्यू में क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं इमेज कर देते हैं, ठीक है। या तो आप लिख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट इमेज, जैसे आपको लिखना है आप यहाँ पर टाइप करके उस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट इमेज, ये दे सकते हैं। देन यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला टाइप करना है। फॉर्मूला क्या होंगे, तो फॉर्मूला के लिए हम लोग यहाँ पर लगा देंगे इक्वल टू, यहाँ पर लगाएंगे इंडेक्स का फॉर्मूला, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको ये रखना है कि इसका सेल एड्रेस, सबसे पहले तो हम लोग फोटो का सेल एड्रेस को ले लेंगे। तो फोटो के सेल एड्रेस को लेने के लिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेल को जाएंगे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करके आप सारे इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए जहां तक आपका डेटा है, यहां तक हो गया। कोमा लगाएंगे, फिर हम लोग लगाएंगे मैच फॉर्मूला। तो मैच फॉर्मूला के लिए हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हम लोग का क्या होंगे, रोल नंबर होंगे, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे और फिर हम लोग टेबल एरे देंगे जिसमें लिए हम लोग को रोल नंबर होंगे। तो सारे रोल नंबर को हम लोग शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते हुए इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से हम लोग सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर एक बार ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे मैच फॉर्मूला के लिए और देन इसको ओके में क्लिक कर देंगे। बस यहां पर देखिए आपको कुछ एरर बता रहा है। तो एरर बताने के लिए रीजन ये है कि आपको यहां पर स्पेस नहीं चलता है, तो हम यहां पर स्पेस को हटा देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। देखिए ये नहीं ले रहा है, इसके लिए हम लोग एक दूसरा नाम दे देते हैं। चलिए हम नाम दे दिए इमेज, सिर्फ इमेज रख दिए, देन ओके कर देते हैं। देखिए अभी ले लिया है, देन इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोगों का काम हो गया है। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, अपने फोटो में आना है, इमेज को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर इसका एड्रेस बता रहा है, इसको आपको हटा देना है, इक्वल टू लगाना है और इमेज को आपको टाइप करना है। देखिए जैसे हमने आई एम ए लिखा तो यहाँ पर देखिए इमेज ऑलरेडी रेडी है, तो इसको सिलेक्ट करना है, टैब बटन प्रेस कर देना है, एंटर बटन प्रेस कर देना है। देखिए 101 है तो जो फोटो है वही दिखा रहा है। चलिए हम दूसरा नंबर देखे देखते हैं 102, देखिए नाम चेंज हो गया, देखिए फोटो चेंज हो गया। 103 देखे देखते हैं, देखिए बिल्कुल चेंज हो रहा है। 104 देखे देखते हैं,
105 देके देखते हैं। देखिए इस रोल नंबर के अकॉर्डिंग फोटो देखिए अपने आप सर्च होके आ रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद।